हेलो पब्लिक, क्या हाल है सभी के। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि BGMI की सबसे बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग क्या है फॉर MSI ऐप प्लेयर, और कहने को चाहो तो ब्लू स्टैक बोल लो। तो इस वीडियो में अपन उस चीज़ की बात करने वाले हैं। तो शॉर्ट एंड सिंपल रखते हैं वीडियो को। इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले MSI ऐप प्लेयर डाउनलोड करना है। ध्यान रखना 32 बिटो, 64 वाला नाउ। आफ्टर डैट आपको नॉर्मली है, जो बंदा एमुलेटर पर खेलता है, प्ले स्टोर लॉग इन करना है, फिर यहाँ से BGMI डाउनलोड करना है। इन माई केस मैंने BGMI डाउनलोड कर रखी है, तो मैं BGMI डाउनलोड नहीं कर रहा, वो नहीं दिखा रहा, मैं GFX डाल रहा हूँ। उसके बाद आपको BGMI डाउनलोड करने के बाद GFX डालना है। देन कुछ मैं स्टेप स्किप कर रहा हूँ क्योंकि उसमें टाइम लग सकता है आपको। फिर ये दोनों चीज़ें आपकी डाउनलोड हो गई साथ में, देन आपको ये गेम ओपन करनी है। गेम ओपन करने के बाद आपका आता है ना HD रिसोर्स पैक 700 MB एंड 1 GB वाला, आपको 1 GB वाला डाउनलोड करना है। जैसे ही आपका 1 GB वाला डाउनलोड हो जाए, देन आपको अपनी आईडी लॉगिन करनी है एंड उधर ही आपको छोड़ देना है। मैं आपको दिखा देता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, कैसे छोड़ देना। जैसे गेम आप फर्स्ट टाइम लॉन्च करके लॉगिन करोगे, आपको ये ऐसी स्क्रीन आएगी। एंड आपका गेम कुछ ऐसा चलेगा। पहले बता दूँ ये मेरा वाला नहीं है, मैं ये टीम व्यूअर से अपने किसी दोस्त का कर रहा हूँ। मैं मेरी सेटिंग हो चुकी है और मैं गैम्बल नहीं करना चाह रहा उसके साथ कि मेरा लैग वैग शुरू हो जाए दोबारा रीइंस्टॉल करने में। किस्मत ही अच्छी थोड़ी। एंड आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। यहाँ पे एरो पे जाना है, ये बीती के लाग मार रहा। आपको फिर जाना है यहाँ से सेटिंग में, आपको चेक करना है आपका जब लॉगिन वगैरह सब कुछ हुआ आपका, ये स्मूथ और एक्सट्रीम पे क्लिक नहीं करना है। इन शॉर्ट आपको सिर्फ लॉगिन करके छोड़ देना, आपको चेक करना है बस ये आपका स्मूथ एक्सट्रीम हो तो नहीं रखा आपने, मतलब आपके ब्लू स्टैक पहले से हो, उसकी डाटा क्लियर ना हुआ हो। आप दोबारा लॉग इन करोगे तो आपका स्मूथ एक्सट्रीम पे वहाँ पर रहेगा, आपको ये चीज़ क्रॉस चेक करनी है। देन उसके बाद आपको गेम बंद कर देनी है। तो गेम बंद होने के बाद आपको सेटिंग में जाना है ब्लू स्टैक की। आप पे जितने भी कोर हो उसका आपको एक या दो कोर कम देना है, जैसे 4 हैं तो आपको 3 देने हैं, आप पे 8 है तो आपको 6 या 7 दे सकते हो, 8 भी दे सकते हो इफ आपका पीसी लैग ना मारे, बैकग्राउंड में आपको कुछ चलना रहा हो तो। इन आर केस अभी अपने पे 6 कोर्स हैं, 4 कोर्स के हिसाब से मैं इसको देता हूँ 5। एंड रैम आपको 4 ही रखनी है, आप पे 4 हो 4 ही देना, 2 है तो 2 ही देना, तब 4 मत देना। देन आपको हाई परफॉर्मेंस रखना है, इसको टिक करना है, इसको टिक करना है। देन आपको इसको एग्जैक्ट 90 रखना है, ना 90 से एक ज़्यादा ना 90 से एक कम। और इसके बीच में ट्रिकी सेटिंग भी आएगी अभी एक, वो चीज़ आपको दिखाऊंगा, वो सबसे मेन सेटिंग है, वो इसके अंदर है। आपको फिर यहाँ से डिस्प्ले में जाना है क्योंकि हमारा परफॉर्मेंस वाला हो चुका है। डिस्प्ले आपको सेट करनी है 4K, टेंशन मतलब आपका लैग नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, आपको 4K सेट करना है। और लैग का मतलब ये नहीं है कि आपके सामने 10-15 स्क्वाड खड़ी हो गई आपका तब भी लैग ना करे, तब तो ऑब्वियसली करेगा ही, इवन मेरा भी करता है उस टाइम पर। तो आपको ये सब करने के बाद रीसेट करना है दोबारा से। अगेन सेटिंग, अब ग्राफिक में चलते हैं। ये जैसा है आपको वैसा ही छोड़ना है, परफॉर्मेंस ओपन जी एल ऑटो सॉफ्टवेयर ये आपका पीसी खुद ही उठा लेगा। इफ आपको छेड़ना है तो आप अभी छेड़ लो, आपको पता है आपके पीसी के साथ क्या चीज़ सही चलेगी क्या चीज़ नहीं चलेगी, आप अभी छेड़ सकते हो। GFX लगने के बाद आपको ये चीज़ नहीं छेड़नी है। देन यहाँ से चलते हैं डिवाइस में, यहाँ से आपको अपना स्पीकर लगाना है जौन से आप हेडफोन यूज़ करोगे, देन उसका माइक लगाना है। वेबकैम तो मोस्टली नीड नहीं है अपने को, इफ आप लगाना चाहो लगा सकते हो। यहाँ से चल के गेम गेम पैड वाले को सबसे पहले ऑफ करना है, फिर वाइब्रेशन ऑफ करना है, फिर ये ऑफ करना है। और फिर चलते हैं अपन प्रेफरेंस टैब पे। प्रेफरेंस तो ऑब्वियसली आप समझ गए, प्रेफरेंस के ऊपर है, इसमें आपको जो सा करना कर सकते हो आप। सबसे मेन चीज़ है ये फोन वाला,
इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें से ये जो आपका डिफॉल्ट है इनमें से कोई भी हिस्सा भी सेलेक्ट नहीं करना, आपको अपना खुद का लगाना। तो मैं बताता हूँ खुद के क्या है। सो ये चीज़ अपने को यहाँ पे लगानी है। ये चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी डाउनलोड करने के लिए, और इसका जो पासवर्ड रहने वाला है वो आपको वीडियो के रैंडम टाइम स्टैम्प पे मिलेगा। तो मेक श्योर टू वॉच द फुल वीडियो, आपको रैंडम टाइम स्टैम्प पे ये चीज़ मिलने वाली है। ये चीज़ आपको लगानी है मैन्युफैक्चर में, ये आपने इधर लगा दी। देन मैंने अकॉर्डिंगली रखा हुआ है आपको कौन सी चीज़ कहाँ लगानी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये नीचे के तीन मैंने ब्लर कर दिए हैं, आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी आपको इफ पासवर्ड चाहिए तो। हम नीचे से कोई सा भी एक उठा लेते हैं और यहाँ पे एक लगाना है। वो पूरे नीचे वाली लाइन कॉपी नहीं करनी, वहाँ पे एरो कॉमाज है, कॉमाज का अंदर का कोई सा भी आप एक ले सकते हो। वो तीन ऑप्शन है आप पे, एक नहीं चला दूसरा चलाओ, दूसरा नहीं चला तीसरा चलाओ, तीसरा नहीं चला तो गेम बंद कर दो। तो हमने यहाँ पे लगा दिया है, हमारा यहाँ पे लग के तैयार हो चुका है। आपको यहाँ पे ब्लर दिख रहा होगा मॉडल नंबर पे, क्योंकि वो मैंने जानबूझ के किया है। पूरी वीडियो देखो, आपको पासवर्ड मिल जाएगा। तो यहाँ से चलते हैं अपन शॉर्टकट पे। शॉर्टकट में भी अपने को कुछ नहीं छेड़ना, यूजर में भी नहीं छेड़ना, एडवांस में भी नहीं छेड़ना, अबाउट में तो छेड़ना ही नहीं है। अबाउट में आप चेक कर सकते हो आपका लेटेस्ट है कि नहीं, हमने अभी डाउनलोड किया, हमारा लेटेस्ट है, हमको पता है। तो बस सपना हो गया। अब इसके बाद अपन को जाना है तुरंत GFX में। GFX में जाने के बाद अलाओ, मोस्टली लोगों ने GFX चलाया होता है उनका आइडिया होता है। आपको ऊपर से BGMI सेलेक्ट करना है। आफ्टर सेलेक्टिंग BGMI यहाँ पे रेजोल्यूशन में डिफॉल्ट में जाके सबसे हाईएस्ट कौन सा होगा वो लगाना है। गॉट इट? स्मूथ में जाके स्मूथ, 90 में जाके 90, आपका बाकी सब आपको वैसे ही रखने देना। ये स्टाइल तो आपकी प्रेफरेंस के ऊपर है, कलरफुल क्लासिक, आपका रियलिस्टिक, सॉफ्ट, मूवी, जौन सा भी आपको पसंद हो। इस बंदे को मेरे को पता कलरफुल पसंद है तो मैं कलरफुल लगा रहा हूँ। देन आपको डायरेक्ट नीचे चला जाना, बाकी किसी में कुछ उंगली नहीं करनी। इस सेव कंट्रोल का ऑप्शन है, इसको जाके यहाँ से अनेबल हो गया अनेबल। तो अब इसको सीधा एक्सेप्ट, ऐड आएगी, ऐड को काटो यहाँ से, आई अंडरस्टूड। अब यहाँ जाने के बाद आपको सबसे मेन चीज़ है ये, आपको स्टोरेज पर जाना है, क्लियर डाटा, ओके। फिर ये वाला बैक करना है, बस ये वाला बैक, ये वाला बैक करने के बाद परमिशन में जाना है, फिर ये माइक और इसके परमिशन दे देनी है। अब ये वाला बैक करके नॉर्मल बैक कर दो। अब रन गेम, हमने गेम लॉग इन कर लिया है। अब देखते हैं सब कुछ सही हुआ है या नहीं हुआ है। आपको बॉटम लेफ्ट में HD दिख जाएगा इफ आपका सब कुछ सही हुआ होगा तो। जब हमारा HD आ चुका है, हमारा सब कुछ सही है, एंड इवन इस बंदे के 90 FPS भी अनलॉक हो चुके हैं, सब कुछ अनलॉक हो चुके हैं। एंड मेक श्योर टू डोंट चेंज योर ग्राफिकल सेटिंग्स। मैं बता देता हूँ कौन सी आपको नहीं छेड़नी है। बाकी आप किसी भी में उंगल पेच करो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। इवन आपके कंट्रोल्स चेंज होंगे ना, कुछ चेंज होंगे, सब कुछ आपका एक नंबर रहने वाला है। और मैप्स वगैरह तो आपको ऑब्वियसली पता है, GFX का डाउनलोड करने पड़ते हैं। सो एक टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मेरे को मेरी गेम उठानी पड़ रही है, क्योंकि उसकी लाइट चली गई है। उसकी सारी सेटिंग हो चुकी थी, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं थी। मैं बस बता रहा था कि आपको कौन सी ग्राफिकल सेटिंग नहीं छेड़नी है, तो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको कौन सी नहीं छेड़नी है। आपको यहाँ से सेटिंग में जाना है, अरे क्या खुल रहा है, सेटिंग में जाना है, ग्राफिक ऑडियो में जाना है। जैसा ये सेट है, स्मूथ, एक्सट्रीम, कलरफुल, जो जो आपने GFX में लगाया है, इनमें से तो कुछ नहीं छेड़ना आपको, बिल्कुल भी नहीं। ना एंटी एलियासिंग, आपको ये भी नहीं छेड़ना, आपको कलर वाला भी नहीं छेड़ना। आप सिर्फ ब्राइटनेस अप एंड डाउन कर सकते हो, ये वाली जितनी आपकी प्रेफरेंस है, इवन ये भी आपको नहीं छेड़ना। और बाकी आप कुछ भी छेड़ो इनमें से, आपको ये लो और अल्ट्रा भी नहीं करना। जो आप वहाँ पे करके आओगे आपको यही रहने देना है। मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप वहाँ पे भी ना छेड़ो और जैसा है वैसे ही रहने दो। बस आप यहाँ से वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हो, जौन सा आपको करने का, ये लो हाई अल्ट्रा जौन सा सेट है आप उस पर रहने देना। अब आपको जो छेड़ना है वो छेड़ो, आपको जौन से आपको कंट्रोल्स में जाके ये इन सब में जो डिसेबल अनेबल करना है वो करो, जो आपकी मर्जी वो करो।
आपका गेम एकदम स्मूथ दिखेगा, एकदम साफ दिखेगा, इजी इज दैट, सब कुछ हो गया। और सो या एंजॉय, सी यू इन बीजीएमआई।